राम, तुम नहा रहे हो क्या? नहीं, मैं नहा चुका, धो रहा हूं। नहीं, अभी आता हूं। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस। अरे, 2 दिन रेस्ट लेके जाना चाहिए ना। जब हम हॉस्पिटल गए थे तभी ऑटो में गए थे और वहां से वापस भी ऑटो में आए। वहां गए थे टैक्सी में। ओह, वो याद नहीं है। डॉक्टर और हॉस्पिटल का कुल खर्चा कितना हुआ होगा मुझे बता देना। बताओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ज्योति, रखो। किराए के साथ में है, ज्यादा होगा तो बता देना और कम होगा तो भी बता देना। पांडियन सर, मंथ के एंड तक काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जीएम आएगा। हो जाएगा सर। ए, जल्दी करो। सर। यस। जीएम ऑनलाइन। ओ सर। रामू, गांव से तुम्हारे लिए फोन आया था। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। मैं डिटेल्स पूछ नहीं सका था, कॉल कट गया था। अगर वहां कोई एसटीडी बूथ है तो तुम तुरंत कॉल कर लो। ज्योति, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, किसी ने बताया नहीं? मुझे आए 15 मिनट हो चुके हैं। आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगर कोई बात है तो लंच टाइम में कैंटीन में मिलो। एक मिनट के लिए बाहर आओ, मुझे जरूरी बात करनी है। बताया ना, बिटवीन ऑन टाइम वही लंच टाइम। माँ की बीपी बढ़ने की वजह से वो बेहोश हो चुकी है। सर और पैर पर चोट लगी है, ब्लड क्लॉट हुआ है, आईसीयू में है। बीच में होश आया, तुम उसे मिलना चाहती है कहाँ? शाम की ट्रेन से हम दोनों को गांव जाना है, 7 बजे की ट्रेन है। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं जानता हूँ यहाँ ट्रैफिक बहुत है। एक काम करो, पैकिंग मैंने कर दी है, तुम सिर्फ ड्रेस चेंज करो। मैं नहीं आ रही हूँ। अरे, हम दोनों की टिकट ले आया हूँ। जाते जाते मेरा टिकट कैंसिल कर देना। ज्योति, माँ आईसीयू में है। अगर माँ पूछेगी कि ज्योति कहाँ है तो मैं क्या कहूँगा? झूठ बोल के बातों को संभालना तुम्हारे पास काफी हुनर है। मेहरबानी करके इस वक्त इस तरह झगड़ा मत करो। मैं और मेरी माँ तुम्हारे लिए कोई नहीं है क्या? यही सोचकर तो तुम्हारे साथ आने के लिए मना कर रही हूँ। यहाँ पे हम जो भी नाटक रोज करते हैं वो नाटक दोबारा दोहराने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ज्योति, इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ ज्योति। अगर तुम्हें सच में गलती का एहसास है तो मेरी जगह आकर सोचो। मैं सोचकर ही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने एक गलती की है। तुम्हारी मर्जी के बिना मैंने तुमसे प्यार करने की हिम्मत की है। उसी गलती की सजा आज तक तुम दे रही हो मुझे। इंसान को परखने में मुझसे एक बार गलती हो गई। जब तुमने मेरे प्रति प्यार दिखाया तो मैंने सोचा कुछ भी नहीं है, लेकिन और मर्दों की तरह सहारा देने के बहाने तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। राम मेरा पति है, इसका विश्वास अब मुझे नहीं हो रहा है। ये मेरी गलती है क्या? ट्रेन छूट जाएगी, बाकी बातें हम वापस आने के बाद कर सकते हैं ना ज्योति। मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा मास्टर, एक बार मुझे और मौका दे। मेरे प्यारे शंकर नायर, 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना तो भी मैं तुम्हें कार चलाना नहीं सिखाऊंगा। मेरे शरीर के सारे पुर्जे हिल चुके हैं। जाओ भाई जाओ। ब्रेक दबाने के समय एक्सीलेटर नहीं दबाना, ये मैं समझ गया। अरे समझ में आ गया तो कहीं जाकर सीखो। ये तुम्हारे गुरु की इच्छा है, जाओ। नल्ला कहाँ है? क्या है? इस बुड्ढे को यहाँ से हटाओ और इस जगह को पानी छिड़क कर शुद्ध करो। मास्टर मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे?
हेलो वेरोनिका ड्राइविंग स्कूल। अरे रामू, तुम गांव से कब आए? क्या गांव से बोल रहे हो? हमेशा की तरह माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कंटिन्यू द कॉपी। यस मैम। रामू का कोई फोन आया क्या? क्यों, मुझे क्यों आएगा? नहीं, बस जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। उसने मुझे किया था, बता रहा था कि वह गांव में खुश है, उसकी माँ मर गई। उसके कहने पर मैं यहाँ नहीं आया हूँ। उसकी माँ की मौत से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। सुनिए, वो इतनी सीरियस थी, मैं नहीं जानती थी। अगर पता होता तो क्या उसकी माँ की मौत को रोक लेती? वैसे भी गाँव में कौन कैसा है ये जानने के लिए हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि है क्या? हमारे पास पैर है लेकिन जाने का मन नहीं है। वो तो साजिश करने वाला हैवान है ना? तुम उसको कुछ दिनों से ही जानती हो लेकिन मैं उसको सालों से जानता हूँ। भले ही तुम 100 साल तपस्या कर लो लेकिन उसके जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे दिल में हमदर्दी है तो उसकी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लेना। अरे सर, कहाँ थे इतने दिन तक? मैंने पूछा मैडम से लेकिन मैडम ने कहा कि पता नहीं, भले ही आप नहीं थे लेकिन फ्लैट का काम सारा मैं संभाल रहा था। कोई खास काम था सर? एक छोटा सा खास काम था। क्या? मेरी माँ मर गई। सर में दर्द था, बाथरूम में फिसल कर गिर गई, ये कहकर मुझे अब गांव नहीं जाना पड़ेगा। किसी ने बताया नहीं? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सबको अपना दुख सुनाने और लोगों की सहानुभूति पाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। नुकसान तो मेरा हुआ है ना। जब मैं गाड़ी में आ रहा था तब मुझे याद आया रेंट देने की डेट निकल गई। कोई आया था क्या? मैंने दे दिया। चलो अच्छा हुआ। राम। हाँ। I'm really sorry। अरे ये सॉरी किस लिए अब वापस? माँ इतनी क्रिटिकल स्टेज में है, मुझे पता नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था मेरे पहुंचने से पहले मेरी माँ की मौत हो जाएगी। चलो एक हिसाब से अच्छा ही हुआ, मुझसे मिलती तो मेरे बीवी के बारे में पूछती और अगर सच सुनती तो उसको बहुत बड़ा सदमा होता। अभी हम उस परिस्थिति से तो बच गए ना। अगर ऑफिस जाना है तो ज्यादा सोचो मत। हेलो, पुट मी टू द रामनाथन प्लीज। हेलो सर, दिस इज ज्योति मेनन। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम अफेक्ट, आई एम नॉट कमिंग टू द ऑफिस टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुमने छुट्टी क्यों ली? आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ।
हेलो सर। पार्टी देने के बात करके हम सबको धोखा दिया। शट अप बेवकूफ कहीं का, सिट डाउन। राम की माँ की मौत हुई है, इस बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? अरे माँ तो अभी मरी है ना सर, उसके पहले पार्टी देने के लिए तो बहुत समय। गेट आउट। हम लोग सुबह एक साथ आए थे इसलिए। इज इट? तो फिर रामू कहाँ है? मैंने सोचा कि वो यहाँ आया होगा। उसने कुछ बताया नहीं क्या? He's little disturbed.